भारत ने अपना चंद्र मिशन 14 जुलाई को शुरू किया था, जो अब धीरे धीरे चांद के बेहद करीब पहुंच रहा है। वही दूसरी तरफ रूस का लूना 25 जो उसकी 11 अगस्त को लॉन्चिंग हुई थी, वो फेल हो गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो यही फर्क है भारत और रूस के मिशन में। इस बार भारत ने अपने मिशन की प्लानिंग भले ही स्लो तरीके से की है, लेकिन प्लान पूरा होने के चांसेस भी ज्यादा है। रूस ने महज 9वें दिन ही अपना यान चांद के बिल्कुल करीब पहुंचा दिया था, लेकिन रविवार देर रात लैंडिंग की कोशिश में चंद्र सतह से टकराने के कारण रूस का ये यान क्रैश हो गया। तो आखिरकार भारत के इतने लंबे मिशन के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि चांद की धरती से दूरी करीब 3,83,000 किलोमीटर है। अंतरिक्ष यान की रफ्तार अमूमन 5 मील प्रति सेकंड होती है। इसका मतलब ये हुआ कि धरती से लॉन्च किया गया यान कुछ ही दिनों में चांद तक पहुंच सकता है, जैसा कि रूस के साथ हुआ। लेकिन फिर सवाल उठता है कि भारत के चंद्रयान 3 को चांद पर लैंडिंग में इतना वक्त क्यों लग रहा है? दरअसल चांद या किसी भी ग्रह पर जाने के दो ही तरीके होते हैं, पहला सीधे और दूसरा घूम घूम कर। भारत के चंद्रयान 3 दूसरे तरीके यानी घूम घूम कर चांद की तरफ बढ़ रहा है। वही नासा और रूस के लूना 25 जैसे अंतरिक्ष यान चांद पर सीधे भेजे गए हैं। साल 2010 में चाइना ने अपने अंतरिक्ष यान चांगी 2 को सिर्फ 4 दिन में ही चांद की सतह पर पहुंचा दिया था। रूस को भी अपने लूना 25 यान को अंतरिक्ष यान तक पहुंचाने में भी सिर्फ 9 दिन ही लगे। हालांकि ये बात और है कि रूस का चंद्र मिशन दुर्भाग्यपूर्ण फेल हो गया। चांद पर सीधे अंतरिक्ष यान ले जाने में हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके लिए स्पेशल रॉकेट को लॉन्च किया जाता है। यही वजह है कि इसरो का अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 अन्य देशों के चांद मिशन की तुलना में काफी सस्ता है, खर्चा कम और काम ज्यादा। चंद्रयान 3 को सीधे ना भेजकर घूमकर भेजने की दूसरी सबसे बड़ी वजह ईंधन का कटौती। भारत का मिशन सिर्फ चंद्रमा की सतह पर पहुंचना ही नहीं है, बल्कि विक्रम लैंडर को लंबे वक्त तक चांद की सतह पर घूमने और चांद की जमीन और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करना भी है। चंद्रयान 3 को घूमकर भेजने में यान के ईंधन को बचाने की कोशिश की गई है, ताकि यान लंबे वक्त तक चांद पर रह सके और काम आ सके। गौरतलब है कि 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया गया चंद्रयान 3 जल्द ही लॉन्चिंग को तैयार है। 23 अगस्त शाम 6:45 विक्रम लैंडर चांद की सतह को चूमकर इतिहास रचने वाला है। रविवार देर रात इसरो द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक चांद की सतह और चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर रह गई थी। अब बस लैंडिंग का इंतजार है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।